हमेशा याद रखना है आपने एक बात, मिस्टर ताबीर जी, ज्यादा प्याज नहीं डालना वरना मिठी हो जाती है। की रेसिपी से? मेरी नानी अम्मा बहुत अच्छा खाना बनाती, लिटरली अम्मा बताती हैं कि उंगलियां चाटते रह जाने वाला खाना खाना जी। तो प्याज हमने डाल लिया थोड़ा सा, और फिर घी डाला है, और बिस्मिल्लाह। कहते हैं कि जो अच्छी नियत और मोहब्बत के साथ बेशक बेशक खाना बनाता है। हाँ जी, अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? भाई क्या हो रहा है आजकल? आप लोग कोई ज़्यादा हमें बता नहीं रहे कि आप लोग किन कामों में मसरूफ़ हैं। मसरूफ़ तो आप बेशक बहुत हैं, लेकिन हम आपके लिए वीडियोस बनाते हैं, अपने लिए भी बनाते हैं। तो जब हम आपके लिए टाइम निकालते हैं तो आपको भी चाहिए कि हमारे लिए वक्त निकाला करें। बिल्कुल। तो आज आप क्या बना रही हैं किचन के अंदर? देखिए, आज मैंने ये इरादा किया है जी क्या आपको एक और रेसिपी सिखाऊं, हालांकि आता तो आपको सब कुछ है। बेशक। तो वो रेसिपी बड़ी ऑथेंटिक है, मेरी नानी अम्मा की, और मेरी अम्मा की भी जो चने की दाल और गोश्त और चावल था ना, वो जी बहुत जी मशहूर था उनके हाथ का। माशाल्लाह, वाह उनके वाह। जो कुलीग्स थे, बहुत ही हमारे प्यारे सीनियर आर्टिस्ट पीटीवी के, मैं छोटी थी तो वो घर आके कहा करते थे, आपा आपके हाथ के चने की दाल और गोश्त जो है ना, अच्छा वो हमें नहीं भूला। लेकिन इस वक्त मैं आपको काली दाल की रेसिपी बता रही हूँ जो नानी क्यों जी, की है। गोश्त कहाँ गया बीच में से? गोश्त ना अभी जरा आराम कर रहा है। अच्छा चलें, ठीक है, कोई बात नहीं। गोश्त का नाम नहीं लेना। और वो जो इतना लंबा काम लगता है ना, दाल का भिगोना ये वो, उसको सब इंस्टेंट कर दिया है। तो मैं बिल्कुल, आपको बताती हूँ, इंशाल्लाह आप खाएंगे तो मजा आ बहुत जाएगा। बहुत मज़ा आएगा आपको इंशाल्लाह। मैं बनाता हूँ अभी चने की दाल और फिर आपको दिखाता हूँ। हाँ जी, हमेशा याद रखना है आपने एक बात, मिस्टर ताबीर जी, चने की दाल में कभी भी ज्यादा प्याज नहीं डालना वरना मिठी हो जाती है, समझ आई है? अच्छा, शुगर वाले तो खा ही नहीं सकते फिर? यही तो कह रही हूँ, इतना सा इतू सा प्याज, ठीक है, अगर आधा किलो दाल से जरा सी कम हो जो कि मैंने ली है, उतनी दाल में इतना सा प्याज भी ज्यादा ही है, ठीक है? ऊपर से छिलका उतर जाएगा तो ये भी कम हो जाएगा। आसान तरीन चने की दाल, ये देखो जी, बारीक बारीक, दाल इसमें अभी घी जाएगा, दाल नहीं डालनी, दाल अभी नहीं ना यारा जी। तो प्याज हमने डाल लिया थोड़ा सा, और फिर घी डाला है, और बिस्मिल्लाह। फिर गैस आ रही है, कांग्रेचुलेशंस, फिर गैस आ रही है, फिर आ रही है, हैरानगी है। आपने कोई दम तो नहीं किया इसके ऊपर? नहीं नहीं, ये आनी नहीं चाहिए थी इसको। अल्लाह रहम करे, अब चली ना जाए। हाँ शुक्र है। चलो इधर से चमचा मारो आके। चमचा कैसे मारना है? जी जी, तो खाना पकाना आपने किससे सीखा है? मुझसे? हाँ, आपसे तो सीखा ही है ना मैंने। अच्छा, उसके अलावा और लेकिन कौन जो मेरे पहले उस्ताद थे खाना बनाने, वो कोई भी नहीं है एक्चुअली। अच्छा यस, खुद बनाया, खुद सीखा है, माशाल्लाह। और मैं बताता चलूँ अपने फ्रेंड्स को साथ साथ के, माशाल्लाह आपने तो इनके हाथ का खाना खाया नहीं होगा, लेकिन मैंने खाया है। आप बच गए जी? नहीं नहीं, मैंने खाया है तो मैं बता सकता हूँ कि बहुत मज़ेदार और लजीज खाना बनाती हैं माशाल्लाह। अच्छा, वैसे जायका भी किसी किसी के हाथ में होता है, कैसी बात है? जाहिर सी बात है, हर एक के हाथ में जायका नहीं होता। कहते हैं कि जो अच्छी नियत और मोहब्बत के साथ बेशक बेशक खाना बनाता कोई शक नहीं है। हाँ जी, और खाना बनाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। इस कदर मसरूफ जिंदगी थी कि मैं और अम्मा ये सोचा करते थे कि ईद हमें पता क्यों पसंद थी, कि हमें कुछ सोने का वक्त मिल जाएगा। सुबह से शाम, रात दिन, काम काम काम, ये होता था। तो खाना पकाना मैं कौन से वक्त सीखती? लेकिन जब सर पे पड़ती है ना, इसलिए बात बिल्कुल ठीक है, जब सर पे पड़ती है ना तो सब सीख जाते। बिल्कुल,
नानी अम्मा की रेसिपी से। हाँ, मेरी नानी अम्मा बहुत अच्छा खाना बनाती है। लिटरली अम्मा बताती हैं कि उंगलियां चाटते रह जाने वाला खाना था नानी अम्मा। और कुछ उनकी बड़ी खास रेसिपीज थी, जैसे कि खशखाश, खशखश जो होती है बहुत यम। अच्छा देखिए, हम ये इतना सा ब्राउन हल्का सा हो गया ना, अब इसमें हम डाल देंगे पिसा हुआ अदरक लहसुन 1.5 टेबल स्पून के करीब। दाल कहाँ पर है? देखिए दाल जो है ना, उसको आप पहले से भिगो के रखेंगे, थोड़ा सा चुटकी सोडा डाल के, चुटकी सोडा डाल के और उसको भिगो के रखेंगे फॉर 1/2 आवर एटलीस्ट। और उसके बाद आप उसको बॉईल कर लेंगे मजे से। यार इतनी जिंदगी आसान हो जाती है ना इस तरह से दाल पकाए, समझ आई आपको? बिल्कुल समझ आ गई। क्या करना था? करना ये है कि अब अदरक लहसुन थोड़ा सा भूनिंग हो गया है ना जी, अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा, अबाउट 1/4 टेबल स्पून, साथ ही हम इसमें डाल देंगे कुछ साबुत हरी मिर्चें। ये हरी है? लाल मिर्चें। अब ये मसाला जो है ना, क्योंकि अब ये ताकि मसाला जले, इसमें आपने पानी डाला है ताकि मसाला ना जले। अच्छा एक और बात, मैंने दाल को उबालते वक्त उसमें नमक डाल दिया था, वो ज़रा अच्छी तरह से लगता है, ठीक है? तो इसमें मैं इतना नमक भी डालूंगी बल्कि चख के डालूंगी बाद में, ठीक? तो अब इसमें मुझे चखाइएगा, आपको तो चखाऊंगी जरूर। ऐसे ही एक लॉक ही छोटा चम्मच साबुत धनिया पिसा हुआ, हल्दी, ये देखो ये हल्दी गई, और इसमें अब डालेंगे हस्बे जायका, हस्बे मामूल मिर्च, हस्बे जायका, मैं तो इतनी सी मिर्च खाती हूँ, ज़्यादा मिर्च नहीं खाती। अभी नमक नहीं हम डाल रहे, ठीक है? ये आपका बन गया दाल, चने की दाल का मसाला। अब इसमें सुने मेरी गल सुनो, इसकी बहुत सी वेरिएशन हो सकती हैं टू मी, यू नो, अगर मैं इसमें थोड़ी सी यखनी डाल दूँ तो भी अच्छी, एक चिकन का भी जायका आ जाएगा, क्यूब भी डाल सकते हैं आप इसमें, कद्दू भी डाल सकते हैं, बहुत इसकी वेरिएशन बन सकती है, ठीक है? लेकिन अभी हम सिर्फ ये मसाला भी आपका भुन गया भुन गया। और कितनी मेरी दाल, ये है जी इतना सा पानी मैंने इसमें रहने दिया है, ठीक है? उबली हुई दाल, और जब आप दाल डाल दें, दाल डाल, ठीक है, तो इसको उबलने देना है। नमक मैंने चखा तो थोड़ा सा कम था, क्योंकि नमक कम ही रखा करें, बाद में डल जाएगा, ठीक है ना? अगर ज्यादा हो जाए तो फिर कुछ नहीं होता। ऐड कर लेते हैं थोड़ा सा, अब इसकी फाइनल शक्ल आपको अभी खुद ही पता चल जाएगी, क्योंकि दाल इज ऑल अबाउट मिक्सिंग। जिनकी दाल मिली भी नहीं होती ना, वो कभी मजे की नहीं होती। मिक्स एंड मास्टर करते हैं इसको। वैसे बताएं आप मुझे, इतनी आसान दाल की रेसिपी देखी कभी? इतनी आसान और इतनी क्विक, इतनी क्विक और इतनी यम। अब ये चखा तो सकती नहीं हूँ मैं आपको, बिल्कुल खुशबू से डाला हो रहा है, लेकिन मेरा यकीन कीजिए बहुत कमाल की बनती है इंशाल्लाह। जी तो चूल्हा बंद कर दिया मैंने, और इसमें मैं अब डालूंगी, मैंने थोड़ा सा हमेशा पुदीना सुखा के रखा होता है, ये ऊपर डालूंगी, और ऑब्वियसली
गरम मसाले के बगैर तो दाल चने की जो है वो अच्छी लग ही नहीं सकती। मिनटों में तैयार, ट्राई कीजिएगा जरूर, बहुत पसंद आएगी। और दिल चाहे तो इसमें थोड़ा सा अचार भी डाल दीजिएगा मेरे लिए। ओके।